हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, ये बुक तो आपने सभी ने देखी होगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है लूसेंट। लूसेंट को मैंने लाइन बाई लाइन, पेज बाई पेज करा रखा है। अब बस वही तरीका थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं और आपके सामने लाइव आके पढ़ा रहा हूं, तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा और आप मेरे साथ बने रहो। मेरी गारंटी है कि मैं आपको बहुत ही अच्छे से नोट्स बनवा के पढ़ाऊंगा। तो चलिए, लूसेंट में हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर रखा है एक्सेप्ट पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आज हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको वीडियो को मास्टर वीडियो बना दें, ठीक है? कोशिश रहेगी, अगर एक वीडियो में नहीं होता तो दो पार्ट में इसे हम मास्टर वीडियो बना देंगे। तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आज का टॉपिक होगा। स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूंगा कि चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है? तो लाइन बाय लाइन मैं आपको बिल्कुल नोट्स बनवाता रहूंगा। एक चाहे तो एक पेज ले लो और पेन ले लो, नोट बनाते रहो। तो पहला जो पॉइंटर इसमें कहता है कि पूरा पढ़ देता हूं, द टर्म पॉलिटिकल साइंस इज इंटीमेटली रिलेटेड टू वर्ड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है? व्हिच इटसेल्फ इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोलिस। पोलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट, एंड जनरल उस समय जो है ग्रीस में ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। तो नोट के तरीके से लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, इस ये रिलेटेड है किससे? ये रिलेटेड है पॉलिटिक्स से, बिल्कुल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। पॉलिटिकल साइंस एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। एंड पॉलिटिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका नाम है पोलिस। पोलिस जो है एक ग्रीक वर्ड है और पोलिस का जो मतलब होता है, पोलिस का जो मतलब होता है वो होता है सिटी स्टेट। सिटी स्टेट इसका मतलब होता है, ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है? ग्रीक वर्ड है, ठीक है? सिटी स्टेट इसका मतलब होता है और सिटी स्टेट जो है ग्रीस में ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो उत्पत्ति समझ में आई। दूसरा पॉइंट देखते हैं, उस समय के कहता है कि द सोफिस्ट, सोफिस्ट वैसे लोग होते हैं जो घूमते रहते हैं, टीचर्स टाइप के होते हैं, पार्टिकुलरली प्रोटोगोरस एंड जियोर्गियास इन एथेंस वेर द फर्स्ट टू एक्सपाउंड ए पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है? इनका नाम थोड़ा सा नोट कर लेंगे, क्या क्या नाम है। ये सोफिस्ट हुआ करते थे, और सोफिस्ट हुआ करते थे, इनका नाम है प्रोटागोरस एंड जियोर्गियास, ठीक है? ये घूमते थे एथेंस में उस समय, बोथ वे रिलेटेड टू एथेंस। एथेंस जो है एक शहर है ग्रीस में ही, ठीक है? और यहाँ पे पहली ओलंपिक हुई थी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं बता दूं। तो ये पहले बंदे थे, शुरुआती बंदे थे जिन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी दी थी। जिन्होंने क्या दिया था? पॉलिटिकल थ्योरी दिया था, पॉलिटिकल थियरी दिया था। लेकिन अगर हम जनक देखें, फादर ऑफ, हम फादर देखे कि भाई कौन जो है फादर है, तो भारत में मनु को माना जाता है और अरस्तु को वर्ल्ड में माना जाता है कि भाई उनको फादर ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स माना जाता है, ठीक है? तो फादर ऑफ अरस्तु जो है एरिस्टोटल इनको बोलते हैं, ठीक है? तो अरस्तु जो है, अरस्तु इनको हिंदी में या फिर इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है? इन वेस्ट, मतलब वर्ल्ड में, वेस्ट में ऐसा माना जाता है। लेकिन भारत में कौन है फादर? मनु। मनु को माना जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन इंडिया। इंडिया में माना जाता है किसको? मनु को। इंडिया में माना जाता है किसको? मनु को। और इनकी, मनु की एक फेमस बुक है मनुस्मृति। मनुस्मृति में इन्होंने पूरा कोड बताया है पॉलिटिक्स के बारे में, पूरा कोड कैसे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए और कैसे संस्थाओं के थ्रू गवर्नेंस होना चाहिए, वो मनुस्मृति में बताया गया है। और मनुस्मृति को कहा जाता है फर्स्ट बुक ऑफ लॉ इन इंडिया।
मनुस्मृति को क्या कहा जाता है? मनुस्मृति को कहा जाता है फर्स्ट बुक ऑन लॉ इन इंडिया, मनुस्मृति को, ठीक है। मनुस्मृति जो है, स्मृति, मनुस्मृति को कहा जाता है फर्स्ट बुक, फर्स्ट बुक ऑन लॉ इन इंडिया, इन इंडिया इसको कहा जाता है, ठीक है, मनुस्मृति को। तो इतना पॉइंट नोट करें, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ला 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 ला, मिटाना बहुत जरूरी है तभी तो लिखेंगे इसमें आगे। चलिए, तो ये बात हो गई कि भैया मनुस्मृति की जो पहली, मनु की जो पहली बुक थी उसे फर्स्ट बुक ऑन लॉ इन इंडिया माना जाता है। बाद में कौटिल्य ने भी बुक लिखी, कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है। तो कौटिल्य, कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो है काफी फेमस है। ये कई लोग अर्थशास्त्र से समझते हैं कि ये इकोनॉमिक्स के ऊपर है। जी नहीं भैया, ये पॉलिटिकल ट्रिटाइज है, पॉलिटिक्स के ऊपर ये बुक है, जिसमें उस समय कौटिल्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और ये अर्थशास्त्र जो इन्होंने लिखी उसमें पूरा मौर्यों के शासन के बारे में, कैसे गवर्नेंस चलता था, ये सब इन्होंने बताया है, ठीक है। अर्थशास्त्र में ये एक इंडियन पॉलिटी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, याद रखेंगे। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य, कौटिल्य को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि चाणक्य, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, इवन विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त के भी नाम से इनको जाना जाता है, कौटिल्य साहब को। बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, कौन सी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट इनकी किताब है, जिसमें पूरा पाटलिपुत्र का एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यों का एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे संस्थाएं होती थी और कैसे पूरा पॉलिटिक्स के बारे में ये किताब है, ठीक है। सो इन हिज फेमस बुक पॉलिटिक्स, अरस्तु हैज असर्टेड मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल, ठीक है। तो कहते हैं ना कि मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, ये मैन जो है इज पॉलिटिकल एनिमल किसने कहा है? पॉलिटिकल एनिमल किसने कहा है? ये कहा है अरस्तु ने, ठीक है। किसने कहा है? एरिस्टोटल ने, एरिस्टोटल ने कहा है, यानी कि अरस्तु ने कहा है मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, ये इनकी किताब है, ठीक है। उसी में इन्होंने कहा है कि ये मैन जो होता है ये पॉलिटिकल एनिमल होता है। अब हम देखेंगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मिटाता हूं फिर इस, थोड़ा सा हमने इसके बारे में पॉलिटिकल साइंस वगैरह के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है दोस्तों, इंट्रोडक्शन देखा है, तो इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। मेरा माइक आई होप काम कर रहा है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि इसमें भारत जो है बना है बहुत सारे स्टेट्स को मिलाकर, इसे कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट। जब मैं यूनियन ऑफ स्टेट कहता हूं तो इसका मतलब ये है कि स्टेट जो है अभिन्न अंग है भारत के, और स्टेट चाह के भी कोई एग्रीमेंट से नहीं जुड़े हैं, भारत में इनको जुड़ना ही पड़ा है, कोई एग्रीमेंट नहीं है कि कभी भी चले जाएंगे। जब फेडरेशन कहा जाता है तो फेडरेशन अलग हो जाता है, जैसे यूएस में, यूएस में 50 स्टेट हैं, 50 स्टेट फेडरेशन से जुड़े हैं। फेडरेशन में और यूनियन में अंतर होता है, फेडरेशन वाले जो स्टेट होते हैं एग्रीमेंट पे जुड़ते हैं और चाहे तो वो आउट हो भी सकते हैं, बट भारतीय यूनियन जो है यूनियन ऑफ स्टेट है और इससे बाहर निकलना असंभव है, ठीक है। तो इंडिया जो है, इंडिया, इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। यानी कि स्टेट के पास इतना राइट नहीं है कि भारत से बाहर निकल जाए, यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, ठीक है। और भारत जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है,
ये सब वर्ड हमारे प्रीएम्बल में भी लिखे हैं, ठीक है। क्या क्या है? भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, सोवरेन है, सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवरेन, ठीक है, सोवरेन है यानी कि भारत के ऊपर, सोवरेन एक एक करके लिखता चलूंगा और बताता चलूंगा, ठीक है। सोवरेन का मतलब ये है कि भारत के ऊपर किसी भी बाहरी ताकत की नहीं चलेगी, हम सोवरेन है, मतलब हम अपने खुद के डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आया बोल दिया कि भारत तुम ये करोगे और वही हम करने लग गए, ऐसा नहीं है। हमें जो हमारी मर्जी है वही करेंगे, हम सोवरेन है, किसी के दबाव में काम करने वाले नहीं है, ठीक है, सोवरेन है। सेकुलर है, सेकुलर जो है इसका मतलब ये है कि स्टेट का कोई भी सेकुलर है, स्टेट का कोई पार्टिकुलर रिलीजन नहीं है। स्टेट यहां पे जब मैं बोल रहा हूं तो मैं यूपी बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारत की बात कर रहा हूं। भारत का कोई रिलीजन नहीं है, किसी भी रिलीजन को भारत सपोर्ट नहीं करता है, मतलब कि सेकुलर जो है ये स्टेट है। सेकुलर मतलब कि हर धर्म के लोग यहाँ पे रह सकते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, वो अपने कंसाइंस को बिलीव कर सकते हैं, जिसको चाहे पूजा कर सकते हैं, जिसकी चाहे जिसमें आस्था रख सकते हैं। स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, इंटरफेयर करेगा तभी जब सुधार करना, मतलब कोई रिलीजन में गड़बड़ी आ रही है, मान लो कि बलि देना ये एक गड़बड़ चीज थी तो बलि को बिल्कुल बैन किया गया था, तो तमाम अच्छी चीजों के लिए ही इंटरफेरेंस होगा। तो सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट का मतलब ये है कि भैया, सोशलिस्ट का मतलब है कि जनता इंपॉर्टेंट है। सोशलिस्ट का मतलब ये है कि भैया सबको बराबर नजरिए से देखा जाएगा, इकोनॉमी के तरीके से भी। सोशलिस्ट का मतलब ये भी है कि भारतीय जो जो भी इनकम है स्टेट का वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। तो सोशलिस्ट भी हम लोग हैं, हमारा जो है सोशल वेलफेयर एजेंडा रहता है हमेशा, ठीक है। सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक भी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी होती है कि भैया जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन को हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है, फॉर द पीपल, ठीक है, डेमोक्रेसी जनता का, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, सबके और जनता के लिए, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब ये है कि हमारा जो शासक है वो हम ही चुनते हैं, मोनार्की नहीं है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो भी चुने गए सदस्य हैं, तो जनता सुप्रीम है यहाँ पे। रिपब्लिक जो है होता है, मोनार्की नहीं चलती है, जो हमारा हेड है वो चुना गया, नियुक्त किया गया, इलेक्टेड हेड है हमारा, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट। और वही कई बार जैसे जहां पे मोनार्की होती है वहां पे जो है मोनार्क, राजा जो है वो हेड होता है। तो हम लोग देखो, इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, सोवरेन है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, तमाम ऐसी चीजें हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ जो सिस्टम चलता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या चलता है? हमारे यहाँ चलता है पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, देखिए तीन तरीके से कोई भी गवर्नमेंट चल सकती है, कहीं की भी। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक होता है सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें क्या होता है कि पावर का डिवीजन होता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डिपेंडेंट होता है लेजिस्लेचर के ऊपर, और जो जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है इन दोनों की। तो ऑर्गन्स के अलग अलग पावर होते हैं, जबकि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहां पे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं कांग्रेस के ऊपर। जैसे कि अच्छा एग्जाम्पल है यूएस, यूएस एक अच्छा एग्जाम्पल है। एक होता है सेमी प्रेसिडेंशियल, जहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ गुण होते हैं और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ गुण होते हैं, दोनों का मिक्सचर होता है। तो हमारे यहाँ जो फॉलो होता है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो होता है, हालांकि इसे डिटेल में और आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो रिपब्लिक जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 26 नवंबर 1949 से ही ये लागू है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था नवंबर 26, 1949 को, और इसे इनफोर्स में लाया गया था जनवरी 26, 1950 को। बहुत सारे प्रोविजन तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे,
और रिमेनिंग जो टीचर थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। तो यहाँ पे अगला पॉइंट कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन विच इनवाइसेज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज फेडरल इन स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी फीचर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक बात है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट बात यह है, लिखा गया है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनवाइसेज करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फेडरल इन स्ट्रक्चर। नोट कीजिएगा, फेडरल इन स्ट्रक्चर, एक बात नोट कीजिएगा, फेडरल इन स्ट्रक्चर है विथ यूनिटरी फीचर। दोनों बातें यहां पे कही गई हैं, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर का हमारे यहाँ जो सिस्टम है विथ यूनिटरी फीचर, मतलब कि यहाँ पे स्टेट का, स्टेट्स जो है भारत में उनका रिलेशन सेंटर के साथ वो बताया जा रहा है। तो स्टेट का जो रिलेशन है सेंटर के साथ वो फेडरल इन स्ट्रक्चर है कि भाई जो है स्टेट फेडरल के तरीके से काम करते हैं, मतलब कि स्टेट के कुछ अपने पावर्स हैं। स्टेट जो है लिस्ट, स्टेट स्टेट के लिए कुछ अलग लिस्ट बना है, ठीक है। जैसे कि तीन लिस्ट हम जानते हैं ना, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट मैटर्स हैं, उन मैटर्स पे सेंटर जो है गवर्न करती है। स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसपे स्टेट गवर्न करती है। तो मतलब पावर अलग अलग दिए गए हैं, स्टेट के भी सेंटर के भी। इस तरीके के स्ट्रक्चर को फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं विथ यूनिटरी फीचर। यूनिटरी फीचर का मतलब ये है कि जब चाहे भारत, भारत को ऐसा लगेगा कि कोई स्टेट बहुत ज्यादा मनमानी कर रहा है, सुन नहीं रहा है, तो यूनिटरी फीचर लगा के उसे कंट्रोल में किया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारा ऐसा प्रावधान है, जैसे कि गवर्नर को हेड बनाया जाता है, और गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, और उन्हीं के प्लीजेंट पे काम करते हैं। और गवर्नर के पास इतना पावर होता है कि वो किसी भी दे, मतलब वो सजेस्ट कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, कुछ है उसके कारण जिसके बेसिस पे वो बोलते हैं। तो यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है विथ यूनिटरी फीचर कि मतलब पावर तो दिया गया है, अभी समझने के लिए इतना समझ लो कि पावर तो दिया गया है स्टेट्स को, लेकिन जब सेंटर चाहती है तो स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल लगा के अपने अधीन कर लेती है, ठीक है। अगर लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है वहां पर सरकार, तो जो सेंटर है उसे यूनिटरी फीचर में बदल देती है, ठीक है। फेडरल इन स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी फीचर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने लिखाया। अगला पॉइंट कहता है कि आर्टिकल जो 74(1) है, एक आर्टिकल है आर्टिकल 74(1), ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी आर्टिकल से में ये कहा गया है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ सच एडवाइस। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या कहा गया है, आर्टिकल 74(1) में कहा गया है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर्स होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, जिसको हेड करेंगे कौन, हेड करेंगे इसको, हेडेड बाय, लिख देता हूं यहां पे, प्राइम मिनिस्टर, इसको पीएम हेड करेंगे। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय पीएम है, ये एडवाइस करेगा, इट विल, यहां पे लिख देता हूं, इट विल एडवाइस प्रेसिडेंट, और इसी एडवाइस पे प्रेसिडेंट को काम करना पड़ता है, इसी एडवाइस पे प्रेसिडेंट को काम करना पड़ता है, ठीक है। आर्टिकल 74(1) क्या कहता है, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, और ये एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करते हैं, प्रेसिडेंट वर्क्स, लिख देता हूं, ठीक है, इसी एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करते हैं, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से काम नहीं करते, प्रेसिडेंट जो है उनको एडवाइस चाहिए और एडवाइस मिलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आई होप यहां तक क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, समझ के आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। नोट्स भी बनाते हैं तो चलो काफी फायदा होगा, बाद में आपका काफी छोटा नोट बन जाएगा और आपको रिवीजन करने में काफी आसानी रहेगी। अगला पॉइंट कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को। ये सवाल बार बार पूछ लिया जाता है,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को, लोकसभा के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में कर देता हूं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा के लिए। ये राज्यसभा के लिए कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हो सकता है कि कुछ मेंबर ऐसे भी हो जो कि राज्यसभा से आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? लोकसभा के लिए। याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा। मैं जब लोकसभा बोल रहा हूँ तो वहां पे मैं सारे मेंबर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सारे मेंबर्स की के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर सकते हैं, इनसे सवाल पूछा जाता है, इनसे पूछा जाता है कि ये लाए हो तो क्यों लाए हो, क्वेश्चन आवर है, क्वेश्चन आवर सेशन है, तमाम चीजें। ठीक है, मोशंस कई सारे लाए जाते हैं, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा के। सिमिलरली स्टेट में जो गवर्नर होते हैं वो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, बट इट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच विथ चीफ मिनिस्टर एज अ हेड इन हुज रियल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ लो कि देखो जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑब्लिक गवर्नर, ये जो होते हैं प्रेसिडेंट ऑब्लिक जो गवर्नर होते हैं ये नॉमिनल हेड होते हैं। ये क्या होते हैं? ये नॉमिनल हेड होते हैं। इनके नाम पे सब कुछ चलता है, इनके नाम पे सब कुछ चलता है, नॉमिनल हेड होते हैं, इनके नाम पे सब कुछ चलता है। भारत में कोई भी एक्शन प्रेसिडेंट के नाम के बगैर नहीं हो सकता है, बट ये बस नाम के हैं, नॉमिनल हेड है। एक्चुअल पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है। वैसे ये स्टेट में देखिए तो गवर्नर जो है नॉमिनल हेड है, इन्हीं के नाम पे स्टेट में सब कुछ होता है, बट वहां पे एक्चुअल पावर किसके पास है, रियल पावर किसके पास है? रियल पावर है अगेन चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, वही जो एडवाइस करेंगे, गवर्नर को काम करना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट जो है और गवर्नर दोनों नॉमिनल हेड होते हैं। वहीं पे अगर देखें तो पीएम, और इनके साथ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि इसको हेड करते हैं ना, तो पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्लस सीएम, और इसमें भी ब्रैकेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दे होल्ड द रियल पावर, दे आर रियल हेड, रियल पावर इनके पास होता है, या फिर रियल हेड होते हैं ये लोग, रियल हेड होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई, चलिए आगे बढ़ेंगे। सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंट्रल लेवल पे, पार्लियामेंट्री लेवल पे लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे ही अगर स्टेट में देखेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट्स लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड प्रोवाइड्स फॉर वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूअल पावर इन पार्लियामेंट, द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो वेस्ट इन पार्लियामेंट। तो दो तीन बातें यहाँ पे लिख लो कि जो नंबर वन कि दोनों के लिस्ट है, स्टेट के अलग लिस्ट है और सेंटर के, सेंटर की बात करें तो यूनियन लिस्ट पे ये काम करता है, यूनियन लिस्ट पे ये काम करता है। वही अगर मतलब पावर अलग अलग की बात मैं बता रहा हूँ कि सेंटर के अलग पावर है, इसके लिए यूनियन लिस्ट है, और स्टेट के लिए स्टेट लिस्ट है स्टेट के लिए। ठीक है, स्टेट लिस्ट है स्टेट के लिए, और एक कनकरेंट लिस्ट भी है, कनकरेंट लिस्ट भी है जिसपे दोनों, ये है दोनों के लिए, सेंटर और स्टेट दोनों के लिए है, मतलब कि दोनों इस पे लेजिस्लेट कर सकते हैं। लेकिन जब भी कॉन्ट्राडिक्शन होगा कि एक ही टॉपिक पे दोनों ने लॉ बना दिया तो सेंटर का लॉ जो होगा वो सुपरसीड करेगा स्टेट के लॉ के ऊपर, कंकरेंट लिस्ट की बात करें। इसके अलावा जो हो सकता है बहुत सारे रेसिड्यूअल पावर हो सकते हैं जो कि पता नहीं है हमें, मेंशन नहीं किए गए हैं, क्योंकि लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में 60 के आसपास, 59 के आसपास इसमें सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 56 या 54 के आसपास सब्जेक्ट है, कंकरेंट लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हो सकते हैं जो कि अचानक से आ जाते हैं, जैसे कि उन्हें रेसिड्यूअल पावर में रखा गया, रेसिड्यूअल
सब्जेक्ट्स कहते हैं, और इस पे जो लेजिस्लेट करने का पावर है वो पावर दिया गया है पार्लियामेंट को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे जो है लेजिस्लेट कर सकती है, पार्लियामेंट इस पे लेजिस्लेट कर सकती है। ठीक है, अगर कोई रेसिड्यूअल सब्जेक्ट आ गया जो कि मेंशन नहीं है लिस्ट में, किसी भी लिस्ट में, तो उस पे कौन लेजिस्लेट करेगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जब बोल रहे हैं तो सेंटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड चीफ इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है, लिख देता हूं कि देखिए, बहुत सारे लोगों को बहुत इंडिपेंडेंट पावर दिए गए हैं, जैसे कि सीजेआई है। सीजेआई क्या है? मतलब जुडिशियरी के पार्ट है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं उनको। बहुत सारे पावर ऐसे दिए गए हैं कि भाई वो इंडिपेंडेंट काम कर सके, इंडिपेंडेंट काम कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पावर दिया है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का। हमारे जुडिशियरी जो है हमारी, वो इंडिपेंडेंट है। मतलब इंडिपेंडेंट अगर मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये है कि इस पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, जो कि बाकी दो ऑर्गन है, उसका इस पे कंट्रोल नहीं चलता। ये अपना अपने हिसाब से काम करती है, चेक करती है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन काम कर रहे हैं कि नहीं। नहीं कर रहे हैं तो उसे वो जो भी काम हो रहा है उसे रोक देती है, क्वैश कर देती है कि भाई यू आर नॉट वर्किंग इन कॉन्सोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ऐसे ही सीएजी जो होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है। ये पूरे पब्लिक अकाउंट को ऑडिट करने का काम करते हैं, चेक करने का काम करते हैं कि सही से सब कुछ पैसा यूज हो रहा है कि नहीं। तो इनके भी पावर काफी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ये ऑफिस है। इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमिश्नर्स जो होते हैं पब्लिक, जैसे यूपीएससी है, ठीक है, यूपीएससी है, ऐसे ही स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट के पीएससी जो है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, वो काफी इंडिपेंडेंट काम करते हैं, क्योंकि इन पे भी अगर नकेल कस दोगे तो ये जिसको मन करे उसको भर्ती कर देंगे। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये भी इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है इलेक्शन कराने के लिए, ये इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इनके भी पावर्स जो है इंडिपेंडेंट दिए गए हैं, इनके भी पावर्स जो है इंडिपेंडेंट दिए गए हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाय बाय।